तो आप घर बैठे खुद ही रिपेयर कर सकते हैं, और ना ही आपको मदरबोर्ड खोलना है और ना ही डिस्प्ले निकालना है, सिर्फ बैटरी के वायर को ही आपको अलग करना है, उसके बाद अपना काम आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसे आप लोग आज देख रहे हैं आलम टेक्निकल। आप तो फ्रेंड्स आज कुछ नया सीखेंगे। आप जो कैमरे का फॉल्ट होता है, देखिए यहाँ धूल माटी लगी हुई है, कचरा जमा हुआ है, तो फ्रेंड्स हमें सेल्फ़ी लेने में दिक्कत हो रही है, तो इसे हम साफ करेंगे, आपको बताएंगे भी, आप सीखें। और ये भैया ने मोबाइल मेरे यहाँ लेके आए हैं, बता रहे हैं कहीं फ्रेंड्स सॉरी कहीं शॉप पर ओपन करवाए थे तो बोल रहे हैं इसका डिस्प्ले अलग करना पड़ेगा तभी ये बनेगा, और ख़र्चा भी ज़्यादा बताए थे। तो इसमें कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, हम कुछ आपको नया सिखाएंगे, तो इसे हम साफ़ करना सीखेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। तो फ्रेंड्स चलिए हम सीखते हैं। तो कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ बैटरी के वायर को आपको अलग करना है, बैटरी वायर को, उसके बाद मदरबोर्ड का कनेक्शन जो है हमारे मोबाइल का ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैमरे को अलग करना है, कैमरे को अलग करना है। इसे चिमटी या ओपनर से आप अपने हाथों से, नाखून बड़ा है तो निकाल के आप खुद ही घर बैठे कर सकते हैं, और वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। तो कुछ करना नहीं फ्रेंड्स, देखिए तमाम तरह के कचड़े जमे हुए हैं, मिट्टी जमी हुई है, तो इसे हम सीखेंगे बनाना। चलिए हम आपको सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स इसे क्या करना है, आप ब्रश ले लीजिएगा, कैमरा मदरबोर्ड से हम अलग कर लिए हैं तो हम इसे साफ़ करेंगे। तो आपको कुछ करना नहीं है, एक ब्रश ले लेना है, जो दांत मांजते हैं तो इसे हमें इस्तेमाल करेंगे, और इसमें थिनर वगैरह नहीं लगाइएगा, लेंस में प्रॉब्लम आ जाएंगी और कैमरा ख़राब हो जाएगा। तो चलिए हम इसको पहले साफ़ कर लेते हैं। तो आप टिश्यू पेपर ले लीजिएगा या कागज़ जो टेम्पर लगाते समय इस्तेमाल किया जाता है, इसे हम अच्छे से क्लीन करेंगे। फ्रेंड्स आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, शॉप पर आप खुद ही घर बैठे रिपेयर कर सकते हैं, सीख लें। और नए दुकानदार भाई भी वीडियो को ज़रूर देखें, आपको काम करने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स देखिए कैमरा एकदम क्लीन हो चुका है। तो फिर हम थोड़ा सा और ट्राई करते हैं, इसे पूरा साफ़ करेंगे, तो मोबाइल के मदरबोर्ड को आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसी हिसाब से हमको काम करना है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए देखिए इसमें भी कचरा जमा हुआ है, तो इसे हम साफ़ करेंगे। इसी तरह से आपको फ्रेंड्स क्लीन करना है, काम करना है इसी तरह से। तो चलिए देखिए अभी हमारा अच्छी तरह से वर्क कर रहा, तो देखना चाहेंगे तो फ्रेंड्स देखिए ये एकदम क्लीन हो चुका है। तो हम थोड़ा सा और अच्छी तरह से क्लीन करेंगे, तो पहले से देखिए फ्रेंड्स बेस्ट हो चुका है। तो अब इसको हम कैमरे को इसी में फिट करके देखेंगे क्लीन होगा कि नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा एकदम कैमरा क्लीन आएगा, खींचने को भी ट्राई करेंगे। इसी तरह से आपको काम करना है, और इसके बारे में आपको जानना है इसका पीछे का पैनल किस तरह से ओपन होता है, तो मेरे प्लेलिस्ट में तमाम वीडियो है, आप इसे देखकर सीख सकते हैं, कर सकते हैं और रिपेयर भी कर सकते हैं। तो कुछ नई टेक्निक के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। फ्रेंड्स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए A70 पर ओपन हो गया है, तो इसी तरह से हमको काम करना है। मोबाइल को ऑन होने तक हम थोड़ा सा वेट करेंगे, तो वीडियो लंबी होने की वजह से मैं वीडियो को थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। तो इसी तरह से आपको काम करना है फ्रेंड्स। मोबाइल ओपन हो गया है, तो इसे थोड़ा स्टार्टिंग हो रही है, इसे हम थोड़ा सा वेट करेंगे स्टार्टिंग के समय। तो डिस्प्ले की लाइट को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, आपको दिखाएंगे कैमरा सही हुआ कि नहीं। मोबाइल थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है, तो ये देखिए पीछे कैमरा हो गया, ये हमारा आगे कैमरा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा, तो हम देखेंगे सॉरी, तो जैसा कि देख रहे हैं कैमरा हमारा एकदम क्लीन हो चुका है। तो फ्रेंड्स एक बार फिर देख लीजिए, कैमरा एकदम क्लीन हो चुका है, और मेरी लाइट थोड़ा सा कम है इसलिए थोड़ा सा आपको कम दिखेगा वीडियो में। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमें रिपेयर करना है, और
ज़्यादा मोबाइल को ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बैक फ्रंट ही उतार कर अपना इसको कैमरे को ठीक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स।